सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। सो गाइस, काफ़ी टाइम से मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा था। मेरे पास बहुत कुछ कमीशन आर्ट वर्क थे, इस कारण मैं कमीशन आर्ट वर्क पे ही काम कर रहा था और वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो गाइस, एक मेरा लास्ट जिसका आउटलाइन में डाला था, ईश्वर साहू जी का, जो साझा के विधायक है, तो उनका मैंने आउटलाइन डाला था लास्ट वीडियो में। तो अभी उसका हम फेस शेडिंग करेंगे और मैं आपको बताऊंगा उसमें फेस शेडिंग कैसे करते हैं। और आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। और मैं भी एक दूसरा मेरा कमीशन आर्टवर्क है, यहाँ पर देख सकते हैं मैं वॉल पे चिपकाकर बना रहा हूँ, पूरा दीवार मतलब यहाँ पर वॉल पे बनाया हूँ। तो इसका भी जल्दी से वीडियो मैं डालने वाला हूँ, तो आप लोग उसको भी देखना और अच्छा लगे प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। तो अभी गाइस, अभी के लिए इतना ही है कि अपन फेस शेडिंग करते हैं और मैं आपको बताता हूँ, तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक जरूर कर देना गाइस। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं अपने ड्राइंग प्रोसेस में सबसे पहले तो बैकग्राउंड शेडिंग करता हूँ। तो यहाँ पर मैं ग्रेफाइट पाउडर यूज़ कर रहा हूँ बैकग्राउंड के लिए। और गाइस, जो टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मेरा सॉफ्ट ब्रश है, कोई भी मेकअप ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं। एंड ब्लेंड करने के लिए आप सॉफ्ट टिश्यू ब्रश का, टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा अभी मेरा हुआ है, तो वैसे ही अब पूरा जो बैकग्राउंड है उसको ग्रेफाइट पाउडर से मैं इसको कम्प्लीट बैकग्राउंड को सेट कर लेता हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पर आई को ड्रॉ करता हूँ। तो आई ड्रॉ करने के लिए गाइस, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, रिफ्रेंस फोटो को ऑब्जर्व करता हूँ। उसके बाद जितने भी डार्कर पार्ट है, डार्कर एरिया है, उसको डार्क कर लेता हूँ, है ना। उसके बाद लाइटिंग के लिए अपन शेडिंग करेंगे, सॉरी हाईलाइट वगैरह देने के लिए हाईलाइटर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर 4B 2B ऐसा पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। ब्लेंड करने के लिए गाइस, यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैं कैसे आई को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप लोग देखिए। एंड गाइस, आपको भी ऐसे ही ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर ज़्यादा पेंसिल जहाँ पर डार्क एरिया है वहाँ पर ही प्रेशर अप्लाई करिएगा। तो यहाँ पर हाईलाइट देने के लिए, लाइटिंग के लिए यहाँ पर मैं बैटरी रिजर यूज़ किया हूँ। देन हम यहाँ पर फेस को शेडिंग करने के लिए यहाँ पर मैं HB पेंसिल को चला रहा हूँ हल्के हाथों से। और वैसे ही जो मेरा जो बेस्ट टूल है मेकअप ब्रश, जो काफ़ी सॉफ्ट है, उससे ब्लेंड करने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ ब्लेंडिंग होता है। तो जब पेंसिल जब मर्ज हो जाता है गाइस, तो काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट आता है। तो आप लोग देख सकते हैं कैसे यहाँ पर मैं ब्लेंड कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। जितने भी बारीक पार्ट है, जितने भी बारीक एरिया है वहाँ पर मैं छोटा मतलब पतला वाला जो ब्लेंडिंग स्टम्प होता है उसको मैं यूज़ करता हूँ। एंड यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट मैं 4B पेंसिल से यहाँ पर आईब्रो को मैं डार्क कर लिया हूँ। ने पहला वाला आई जो ड्रॉ किया था सेम वैसे ही उसी प्रोसेस से मैं यहाँ पर सेकेंड आई को भी ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप लोग देखिए कैसे मैं यहाँ पर सेकेंड आई को भी ड्रॉ करता हूँ। एंड गाइस, वीडियो में आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और वीडियो का आप लास्ट तक ज़रूर देखना। उससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, थोड़ा भी अगर आप कुछ सीखते हैं मेरे वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक करके मुझे सपोर्ट कीजिए। एंड मैं ऐसे ही अच्छा अच्छा ट्यूटोरियल या अच्छे से ड्राइंग वीडियो मैं लाते रहूँगा, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। सो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर HB पेंसिल एकदम बिल्कुल स्मूथ हाथ से चलाया हूँ, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं किया हूँ। और ब्लेंड करने के लिए यहाँ पर मैं सॉफ्ट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको भी स्मूथ शेडिंग चाहिए, तो आप सॉफ्ट ब्रश या टिश्यू पेपर से बिल्कुल हल्के हाथों से बिना किसी प्रेशर के आप बिल्कुल स्मूथ शेडिंग ला सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो माथे में जो ज्वेलरी वगैरह है वो सब मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ इसके लिए मैं 4HB पेंसिल ही है, उसको मैं थोड़ा सा प्रेशर के साथ अब यहाँ पर पेंसिल चला रहा हूँ। तो आप लोग देखो मैं कैसे यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। तो गाइस, ये मेरा जो एक टूल है, इसका क्या नाम है, इसको क्या बोलते हैं, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो मैंने सोचा यार, इसको मैं ऐसा यूज़ करूँ जिससे हेयर वगैरह ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर जो हाईलाइट वगैरह रहेगा उसमें काम आएगा, तो इसलिए मैं इसको वैसे ही यूज़ करता हूँ। तो पता नहीं, अगर आप लोगों को पता होगा तो बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या चीज़ है, मेरे को आइडिया नहीं इसके बारे में। तो आप लोग देखो इससे मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ। सो यहाँ पर गाइस, हेयर को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर मैं फर्स्ट HB पेंसिल से यहाँ पर फर्स्ट लेयर दे रहा हूँ। एंड गाइस, हेयर में जितने भी डार्कर एरियाज है उसके लिए यहाँ पर मैं 4B पेंसिल चला रहा हूँ और प्रेशर के साथ चला रहा हूँ, ताकि जितना भी डार्कर एरिया उसको मेरे को डार्क करना है। तो आप लोग देखो मैं कैसे हेयर को ड्रॉ करता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं 4B पेंसिल का जो पाउडर है उसको, पेंसिल को मैं सैंड पेपर में घिस कर उसका पाउडर बना लिया हूँ। और जितने भी डार्कर एरियाज है उसको और डार्क करने के लिए यहाँ पर मैं ब्रश से पाउडर को अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप लोग देखो मैं कैसे यहाँ पर पाउडर को अप्लाई करता हूँ और कैसे डार्क एरिया क्रिएट करता हूँ।
you.